नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देश दिनभर। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से करेंगे, जहां पर रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली है। जीएसटी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया गया है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की यह हुंकार है। दोपहर 3 बजे तक होगी ये रैली। रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प देखने को मिली है, तो मार्च निकालने को लेकर भिड़े हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई हाथापाई, रैली में कांग्रेस नेता शामिल, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज होंगे शामिल। तो महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, और इस महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद होंगे और 3 बजे तक यह महारैली चलने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अपना अभियान चलाया है, और आज देश की राजधानी में हम लाखों के तादाद में आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ सरकार को सचेत करेंगे और मजबूर करेंगे कि इस महंगाई को कम करने के कुछ उपाय ढूंढने। केंद्र की सरकार अनदेखी कर रही है, आम लोगों की, नौजवानों की और खासकर जो मध्यम वर्ग है उस पर प्रहार किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ जनता के साथ खड़ी हुई है। तो केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है, और बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी को लेकर इस महारैली का आयोजन किया है। तो महारैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस की हुंकार है, और देखिए बड़ी संख्या में इस महारैली का आयोजन किया गया है, और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उनके रहने का भी इंतजाम किया गया है, और एक बड़े पैमाने पर इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको संबोधित राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अपना अभियान चलाया है, और आज देश की राजधानी में हम लाखों के तादाद में आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ सरकार को सचेत करेंगे और मजबूर करेंगे कि इस महंगाई को कम करने के कुछ उपाय ढूंढने। केंद्र की सरकार अनदेखी कर रही है, आम लोगों की, नौजवानों की और खासकर जो मध्यम वर्ग है उस पर प्रहार किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ जनता के साथ खड़ी हुई। तो दोपहर 3 बजे तक ये रैली चलने वाली है, और देखिए इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली है, पुलिस के साथ थोड़ा हाथापाई भी देखने को मिली है। तो देखिए, जहां एक तरफ बड़ी संख्या में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के शामिल होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे, और 3 बजे तक ये रैली चलने वाली है। और एक देखिए बड़े पैमाने पर इस रैली का आयोजन किया गया है रामलीला मैदान में। इस पूरी रैली को लेकर पूरे पंडाल को सजाया गया है, मंच सजाया गया है, और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो लाव लश्कर के साथ ये पूरी तैयारी की गई है, और देश के अलग अलग कोनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस महारैली में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। और देखिए इसके लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। जो बाहर से कार्यकर्ता आए हैं, उनके रहने का, खाने का, आने जाने का इंतजाम भी किया गया है। और अब इस रैली को पूरी तरह से, ये रैली शुरू हो चुकी है, और देखिए थोड़ी ही देर में राहुल गांधी इस पूरी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की यह हुंकार रैली, दोपहर 3 बजे तक ये रैली चलने वाली है। तो वही मार्च निकालने को लेकर भिड़े हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई है हाथापाई, तो रैली में कांग्रेस नेता शामिल हैं, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज जिसमें शामिल होंगे। तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस रैली में शामिल होंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज हो या फिर छोटे कार्यकर्ता, हर कोई इस रैली में शामिल हुआ है, और रामलीला मैदान में इस महारैली का आयोजन किया गया है। जीएसटी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, फिर बड़े चेहरे हो, दिग्गज चेहरे हो, या फिर राहुल गांधी हूं, वो लगातार महंगाई और जीएसटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे,
कि आखिर अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया, जो वायदे किए गए थे उन वायदों में अब तक कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, ये सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे थे। और अब इसी को लेकर एक महारैली का भी आयोजन किया गया है, रामलीला मैदान में इस महारैली का आयोजन किया गया है। एक बड़ा पंडाल सजाया गया है जिसमें तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के विरोध प्रदर्शन में मंच सजाया गया है, जिस मंच पर दिग्गज लोग बैठे होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या ताजा तस्वीर? ठीक है पीयूष, आपकी आवाज तकनीकी दिक्कतों की वजह से सही ढंग से नहीं आ रही है, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं, देखिए रैली की शुरुआत हो चुकी है, तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और एक एक कर जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी जगह लेकर बैठ रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात बिहार की करेंगे, जहां पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी, पार्टी की मजबूती को लेकर लिए जाएंगे कई अहम फैसले। कल भी प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में हुई थी बैठक, आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कल की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, अगले साल हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। मणिपुर में हमारे 5 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने चरित्र का परिचय दे दिया, समय आने पर हम भी इसका माकूल जवाब देंगे। तो आज की बैठक कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। तो कल की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी 3 राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, अगले साल हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो मणिपुर में हमारे 5 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने चरित्र का परिचय दिया है और साथ ही ये भी कहा कि समय आने पर हम भी इसका माकूल जवाब देंगे। तो पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज ये बैठक रहने वाली है, 2024 चुनाव के लेकर ये बैठक होगी। पार्टी को मजबूती के लिए जो फैसले लिए जाएंगे कई अहम ऐसे फैसले होंगे। कल भी प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में ये बैठक हुई थी और आज एक बार फिर ये बैठक होने जा रही है, तो कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकारिणी की आज ये अहम बैठक रहने वाली है, 2024 चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है, कल भी ये बैठक थी। पार्टी की मजबूती को लेकर कई अहम फैसले किए जाएंगे, कल भी प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में यह बैठक हुई। तो आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे
पटना से ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और देखिए कई मायनों में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं 2024 चुनाव को लेकर। क्या कुछ और खास रहने वाला है इस बैठक में? मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पार्टी की मजबूती के लिए तमाम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। तो कल भी देखिए ये बैठक रही थी जेडीयू कार्यकारिणी की और आज दूसरे दिन भी इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगले साल राष्ट्रीय पार्टी बनने का दावा किया गया, तो मणिपुर में हमारे 5 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने चरित्र का परिचय दिया। समय आने पर हम इसका माकूल जवाब देंगे। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये बात कही। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों में चर्चा होगी, पार्टी की मजबूती को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक होने वाली है, दूसरे दिन की ये बैठक है, क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं 2024 चुनाव को लेकर? बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। और भाजपा और हम पार्टी और कांग्रेस के आज को तात्कालिक बैठक की जाएगी और उसमें भाजपा को किसी तरह डेबिट करने के लिए नीति अपनाई जाएगी। इसमें 5 विधायक जो थे नाराज कर रहे और नाराज के क्रम में लग रहा था उनको भी भाजपा हमारे विधायकों को तो भी करके आप है, इसको लेकर ये आनंद पानी मीटिंग में भी एक बातों को जुड़ने का चर्चा होगा। इसलिए जिस प्रकार ललन सिंह सुंदर मीडिया के सामने बोल रहे कि हमारे 5 विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है और उनको नीति बनाएंगे ठीक है। मनोज, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं भागलपुर शाहकुंड प्रखंड में कई गांव बढ़ते गंगा के जलस्तर को बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे 200 एकड़ धान की फसल खराब होने की संभावना है, जबकि प्रखंड के कई तटवर्ती इलाकों में गंगा का जलस्तर में वृद्धि होने से जानमाल की तबाही हो रही है। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शाहकुंड प्रखंड में जमालपुर, मुंजत, खुलनी, बाला चौकी, बेलथू, पैडोमैया मॉल, सरोक सहित कई दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी जो हम लोग के पास रिसेंट न्यूज आ रहा है कि इलाहाबाद में वाटर लेवल कम हो गया है, अब धीरे धीरे इधर भी हो जाना चाहिए। इस बार तो बारिश बहुत कम हुआ जिसके चलते आप देख रहे हैं रोपनी बहुत कम हुआ है। ठीक है, हम तो रास्ते में आ रहे थे, देख रहे थे बहुत कम रोपनी हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या कहते हैं बाढ़ वाला हम लोग भेज रहे हैं कितना हमारा प्रभावित है, जो जैसे खैरा का जमालपुर गांव है, खुलनी का, मुंजत गांव है, ये सब जो पूरे प्रखंड का सरोक है, जो भी है चंद्रभानपुर वाला, वो सब हम लोग भेज रहे हैं कि ये प्रभावित है। तो अभी जो हम लोग और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, गंगा का जलस्तर बढ़ने से परेशानियां बढ़ रही हैं, शाहकुंड प्रखंड में कई गांव इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन ये लेकिन अब तक किसानों को या जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है, इसके चलते हंकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। इसलिए जहां जहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जहां है वहां किसान मतलब
अजीब सा और दिल देखने को मिल रहा है, किसी के घर खाना ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं किसी के घर दूर बच्चों के लिए मिल पा रहे हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और वहां देखते जितने भी वहां के वीडियो हो या सीओ हो या एसडीओ हो या जिला अधिकारी हो, ये फिर आपको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब तक पटना के नीतीश कुमार जी का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है इन बिल्कुल कम से कम समय पर हर जगह वापिस की जाए। इस तरह का मतलब कोई मामला नहीं, आश्वासन दिया जा रहा है बिहार में। इसे देखिए बिहार में होता क्या है कि बाढ़ जब आती है और बाढ़ आने के कुछ महीने से लोग तक आश्वासन को चलाया जाता है, महीने से बाद जब पानी भर जाती है तो फिर भी उनको बाढ़ रोक नहीं किया जाता है, सुखा रह चुकी रहता है। ये अब तक चल रहा है। कुछ किसानों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल का राशि तक नहीं मिला है और पिछले साल की राशि तक नहीं मिली है, इस बार का राशि तक क्या उन्हें रखा जा सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही। ठीक है मनोज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बोध गया खुआ बुचुम ताई बौद्ध मठ से अज्ञात चोरों ने 5 लाख की घंटी की चोरी की है। घंटी का वजन लगभग 4 क्विंटल पीतल का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर लोग इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मंदिर नहीं, ये रात में आया था चोर, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कि कब ले गए हैं, लेकिन यहाँ ये दो पिलर में हम लोग ने ये टांग के रखा है और रोज सुबह शाम बजाते हैं, तो रात में ले गए हैं और सुबह आए हम लोग बजाने के लिए नहीं था, तो उसके बाद फिर हम लोग ने ये थाना गए और एप्लीकेशन दिया है, तो उसका इंक्वायरी के लिए जाँच के लिए नहीं, ये रात में। और लगातार हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, बौद्ध गया के बौद्ध मठ में घंटी चोरी हो गई है, क्या कुछ जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है? ठीक है मनोज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। औरंगाबाद के दाऊदनगर जामुआवा निवासी सीआरपीएफ के जवान राजू कुमार 2 से 3 दिन पहले छुट्टी पर अपने गांव जामुआवा गए थे। मजदूर के साथ खेत में काम कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि उनके भतीजे ने गोली मारकर सीआरपीएफ की हत्या कर दी। परिजनों ने उम्र कैद की मांग के साथ मुआवजे की नौकरी की भी मांग की है। जवान को देखते के लिए गांव में जनसैलाब उमड़ा। दर्जनों लोगों ने स्थानीय विधायक ओबरा ऋषि कुमार यादव को फोन पर भी लगाया। विधायक ने सिर्फ आश्वासन दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, सीआरपीएफ के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कुछ जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई है? ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
वहीं कवर्धा में शिक्षा के मंदिर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर विद्यालय में यह पढ़ाया तो जाता है कि खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उस विद्यालय में ही शौचालय की व्यवस्था ना हो तो बच्चे कहां जाएंगे। इससे बच्चों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण कवर्धा विकास खंड के सोनपुरी शासकीय प्राथमिक शाला का है, जहाँ स्कूली बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 31वें जिले की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के वासियों को नए जिले की बधाई देते हुए विभिन्न विकास कार्यों के 364.56 करोड़ रुपए के 95 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। नए जिले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। इस दौरान जिले की जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन किया। तो छत्तीसगढ़ को एक नया जिला मिल चुका है, तो 31वें जिले के रूप में सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी। तो इस दौरान कई सारी परियोजनाओं की भी सौगात दी, लोकार्पण किया, कई करोड़ की परियोजनाओं का। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे और देखिए नए जिले के तौर पर दिया गया है छत्तीसगढ़ को, तो 31वां ये नया जिला बना है। तो 95 कार्यों का भूमि पूजन किया गया, 364.56 करोड़ रुपए के ये 95 कार्य थे जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। तो नए जिले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया। इस दौरान जिले के जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं रामपुर। रामपुर के लोगों को सीएम ने रिटर्न गिफ्ट, आजम खां के गढ़ में हुंकार भरेंगे सीएम योगी, कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए रामपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आजम खां के गढ़ में हुंकार भरेंगे सीएम योगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रामपुर पूरा सज चुका है, तैयार है और लगातार इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का था। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं रामपुर, जहां पर तैयारियां बेहद भव्य की गई है। और लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर जा रहे हैं। देखिए जहां पहले एक बार वादा किया था कि विकास को रामपुर से जोड़ेंगे और उसी वादे को पूरा करने एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कहा जा सकता है 72 करोड़ की भी ज्यादा परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर वासियों को देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंच चुके हैं। तो देखिए पश्चिम दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ कल, जहां उन्होंने मुरादाबाद और बिजनौर का दौरा किया, तो रात्रि विश्राम भी बिजनौर में। और आज सुबह रामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।